अभी हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं, पहले सब हमारे भोजपुरी दर्शक को प्रणाम करता हूँ। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ हट के काम हो रहा है और हट की पिक्चर आ रही है, जिसकी अच्छी है, बहुत अच्छी पिक्चर है। और मैं बोलता हूँ कि अभी हमारे जितने भी प्रोड्यूसर हैं, नए नए जो लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में, वो लोग अलग सोच लेके आ रहे हैं कि हमको अच्छा करना है। भोजपुरी का जो ग्रेड है अभी बढ़ रहा है, अभी हाई हो रहा है। और मेरी शुभकामनाएं हैं जो नए लोग आ रहे हैं, आप आइए, अच्छी मूवी बनाइए, क्योंकि आपको थोड़ा सा चेंज चाहिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। जो मैं सबको बोलता हूँ, मैं तो आपको चेंज चाहिए, टेस्ट सबका बदलना चाहिए। तो अभी अच्छी मूवी, काफ़ी अच्छी मूवी आ रही है। और नए लड़कों जो हमारे इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हो, अब कुछ होना चाहिए भाई, पुराने देख के सब थक गए, थोड़ा कुछ नया पर होना चाहिए, जिसकी बहुत अच्छी है। उसके लिए मैं आप उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ अपनी तरफ से। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि सब ऐसी ही पिक्चर बनाएं इंडस्ट्री में, कि एक मार्केट हम लोग बोल सके हमारी यहाँ भोजपुरी है, हम लोग भी ऐसा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच। बॉबी क्या कहना चाहेंगे? आप भी तो अपने माता निर्देशक बन गए। यस, मैं बहुत काफ़ी जोर है, क्या कहना चाहेंगे यार? बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ आज मैं इस फिल्म के मुहूर्त पर यहाँ पर आई हूँ। और मेरी अपनी भी फिल्म आ रही है, ब्रीड हिंदी मूवी आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, फिल्म फिल्म ही होती है, चाहे वो भोजपुरी हो फिर या किसी रीजनल से हो या फिर हिंदी मूवी हो। अगर हम सही ढंग से और सही सोच के साथ कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो निखर के ही आता ही है। ऐसा नहीं कि भोजपुरी एक है, फिल्म तो फिल्म ही होती है ना। और ये फिल्म बहुत, मुझे जिस तरह का पोस्टर है और जिस तरह से आप क्या करते हो बताइए यार। अच्छी बात है, मैं तो फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं मिस इंग्लैंड का फर्स्ट मुस्लिम जज हूँ इन मिस इंग्लैंड कॉन्टेस्ट भी हम करते हैं इंग्लैंड में। तो अच्छी ये रीजनल फिल्म बननी चाहिए और इसको जितना भी सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, दूसरे पब्लिक की तरफ से भी मिलना चाहिए। और लगता है ये, मैं तो पहली बार आया हूँ ये फिल्म में, तो देख कौन है, मैं मुझे इतना पता नहीं है अभी कास्ट के बारे में, लेकिन पोस्टर से लग रहा है अच्छी फिल्म होगी और होपफुली हम इनको बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे।
ब्रीद एक ट्रांसजेंडर पे बेस्ड की पिक्चर है जिसकी मैंने कास्टिंग की है, और ये जो पिक्चर है ये देखने के बाद ही मालूम पड़ेगी कैसी है और कैसे बनी है। और मेरे हिसाब से ये पिक्चर बहुत अच्छी है और आप लोग को देखने के काबिल है। और ये पिक्चर के लिए मैं आई हूँ। आई विश दिस मूवी ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मुझे पोस्टर से लग रहा है कि ये पिक्चर बहुत आगे जाएगी। एंड आई विश अ पर्सन ऑल द बेस्ट, बिकॉज मैं भी नहीं जानती हूँ किसकी पिक्चर है कौन है, लेकिन पिक्चर पिक्चर होती है, चाहे वो ट्रांसजेंडर पर बेस्ड हो, ब्रीद हो, या वो भोजपुरी हो, या वो हिंदी हो, कोई भी। लेकिन ब्रीद जो भी बोले बहुत कम है, ब्रीद के बारे में जो भी मैं अगर बोलूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। बस बस थैंक यू। ये रोलिंग शुरू कर दें। ये सर पहले सर बाजीगर का आज मुहूर्त क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फिल्म है या जो आप देख रहे हैं पोस्टर में किस तरह से रिस्पांस मिलेगा, कितना पॉजिटिव है फिल्म को लेके? पहली बात तो मैं नीरज चौहान इसलिए उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं या आशीर्वाद देता हूँ। और मैं उनका स्टेज शो देखा हूँ, बहुत अच्छे एक्टर है, उसको पूरा विश्वास है ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी, क्योंकि ये थिएटर आर्टिस्ट है। और जो आदमी स्टेज शो करता है, मेरे हिसाब से तो मेरी थिंकिंग मेरी सोच है कि स्टेज शो डायरेक्ट पब्लिक के सामने होता है, वहाँ पे टेक नहीं होते। जब वहाँ पे सबको खुश रह सकते हैं तो 100% जहाँ पे टेक होता है वहाँ पे तो बहुत खुश होंगे। और जैसा कि फिल्म का टाइटल अपने आप में ही बहुत हाँ अच्छा टाइटल है, और माता रानी का समय चल रहा है, माता रानी का भक्त भी है, टाइम के बाद आवाज़ चल रहा है, और माता रानी फिल्म की ऊपर ऊपर हिट करेगी, मुझे पूरा भरोसा है पिक्चर हिट होगी। और मेरा प्यार आशीर्वाद पूरी टीम के साथ में है, जहाँ मेरे सहयोग होगा एनी टाइम कभी बोलेंगे मैं खड़ा होने के लिए। सर आप ये क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का विषय है और कितने उत्साहित हैं इस फिल्म को लेकर आप? सबसे पहले तो मैं अपने भोजपुरिया भाई सभी लोगों को हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। इस फिल्म को लेकर बहुत मैं उत्साहित हूँ कि कई सालों बाद फिर से मैं अपने एक नई फिल्म लेकर आ रहा हूँ मार्केट में, जो दर्शकों के लिए, क्योंकि बीच में बहुत काफ़ी दिन गैप हो गए थे जिससे मैं स्टेज शो में ज़्यादा व्यस्त था। और यूपी बिहार तरह तरह जगह हर स्टेट में जाके काफ़ी प्यार सम्मान आशीर्वाद मिलता था, इवन कि महाराष्ट्र में भी आए दिन हमारे स्टेज शो होते रहते हैं। अभी भी रामलीला मैदान में भी था होली पे, उसके पहले भी, और लोगों का महाराष्ट्र से, गुजरात से, हर जगह से, हर प्रांत से लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया। और इस फिल्म में जो रेवा बना बाजीगर है, दर्शकों के लिए 2 साल से इस फिल्म को राइटिंग चल रही थी, और अब इसको समय आ गया इसको अंजाम देने के लिए।
इस फिल्म की शूटिंग हम लोग कर रहे हैं बनारस में 6 तारीख से। आज इस फिल्म की मुहूर्त है और इस फिल्म के हमारे जो निर्माता हैं संजय कुमार राजभर जी अम्बेडकर नगर अकबरपुर वाराणसी यूपी से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान और कलाकार प्रति सहयोग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं हम सबको। और हमारे बड़े भैया पिंटू भैया जो हमारे इंडस्ट्री के एक कलाकार जो भी गया है इनके पास, मैं भी गया हूँ और भैया का आशीर्वाद मिला और भैया से मैं बोला कि सर हमको आशीर्वाद चाहिए आपका क्योंकि आपके बगैर अधूरा हूँ मैं। भैया ने बोला कि नहीं बिल्कुल मिलेगा, जहाँ से जो ज़रूरत पड़ेगी हर तरह से मैं मदद करूँगा। और पिंटू भैया का और इंडस्ट्री में ऐसा कौन शख्स है जो भैया को नहीं जानता हूँ। और इस फिल्म के हमारे राइटर और डायरेक्टर हैं आर एस प्रीतम जी जो बड़ी ही शिद्दत से लिखे हुए जनता के लिए एक नया चीज़, पहले जैसा कि लोगों ने देखा था मेरे कैसेट निरहो की लव स्टोरी जैसे मूली वाला गाना था और एक गाना और था छोड़ देता निरहो पढ़ाई बचवा कलवा घरे पकड़ा गया निरहो रतिया नरिया में कैसे धराई गया निरहो, उस सारे गाने हमारे जनता जनार्दन के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं काफ़ी पसंद किए और आशीर्वाद प्यार दिया जो मुझे एक बनारस से निकाल के आज पूरे देश विदेश तक हमको पहुँचाया। ये प्यार आशीर्वाद सारा श्रेय हमारा जनता का है और उन्हीं जनता के मांग पर जब मैं शुरू करने जा रहा था तो बोलते थे कि भैया आप एक पिक्चर और बनाओ एक पिक्चर और करो, तो मैंने कभी जी से कहा अपने राइटर और डायरेक्टर साहब से आर एस प्रीतम जी से कि सर जैसे आपने निरहो की लव स्टोरी निरहो अनाड़ी और एक से बढ़कर एक देखा भैया का समसमाल तमाम कैसेट और एल्बम जो हमारे लिए सुपर डुपर हिट किया है एक फिल्म और हमारे लिए करिए, तो सर ने 2 साल मेहनत की और इस फिल्म को 6 तारीख से हम लोग बनारस में शूटिंग करने जा रहे हैं। पूरी टीम यहाँ से जा रही है बनारस मुंबई से और हमारे यूपी और बिहार के भी कुछ कलाकार हैं क्योंकि हमको सभी प्रांत से हर कलाकार को ले कर चल रहे हैं चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबका आशीर्वाद प्यार चाहिए इस फिल्म में। और बाकी के आगे चीज़ हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे फिल्म की खासियत क्या है। फुल कॉमेडी एक्शन और मसालेदार फिल्म है और कहीं पे भी वल्गरिटी नहीं है, हम लोगों ने वल्गरिटी को बहुत ही बचाया है। और क्योंकि हर जगह से हमारे भोजपुरिया भाइयों की शिकायत आती है कि पिक्चरें तो बनती हैं, सबका मन होता है कि पिक्चर देखें लेकिन एक साथ कोई पिक्चर नहीं देखता है, पार्ट पार्ट में देखते हैं, परिवार के साथ नहीं देख पाते हैं। तो हमने ये प्रयास किया है कि आप अपने परिवार के साथ जाके पूरी पिक्चर देखेंगे और संतुष्ट होके आएंगे, बाहर आने के बाद ही नहीं कहेंगे कि रामसेवक यादव प्रीतम ने हमको जो कहा वो सही नहीं है गलत है, क्योंकि हमने वल्गरिटी को एकदम बचाया है। और इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है और जो एक डर होता है लोगों के अंदर, एक गांव का निरहू छोटा सा निरहू है जो विलेन से उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है, विलेन इतना डराता है पूरे गांव को डरा कर रखता है कि एक सीमा आती है एक समय आता है कि आदमी डरना छोड़ देता है। और उसकी पत्नी उसे पूरी तरह से मदद करती है, पूरा सपोर्ट करती है कि आप लड़ो मैं आपके साथ हूँ। और वहीं निरहू जो है उस विलेन की जो कि सबको डरा के रखा है वो उसके अंदर डर पैदा करता है और जीत हासिल करता है। तो सर ये जानना चाहूँगा निरहुआ नाम है दिनेश का, निरहुआ जी भी हैं, तो कभी तुलना आप करते हैं खुद से या कुछ इस तरह का है आपके मन में भावना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं दिनेश जी की बहुत इज्जत करता हूँ, दिनेश जी सुपर स्टार आदमी हैं। और जब हमारी कैसे रहे थे निरहु की लव स्टोरी जो मैंने निरहु करेक्टर पहली बार जो किरदार किया था और उस राइटर थे उसके हमारे डायरेक्टर साहब और कैसेट बड़ा ही प्यार आशीर्वाद दिया, उसी कैसेट से पूरे विख्यात हुआ पूरे देश में कि निरहू कोई व्यक्ति है, निरहू कोई पढ़ा लिखा कम लड़का है और उसका जो पहनावा है बिल्कुल अलग है, वो हाफ जंगियाँ पहनता है टाई चश्मा टोपी लगाता है, एक कॉमेडियन लोगों को एक भाता था कि भाई हंसाएगा ये, उस करेक्टर को इन्होंने निकाला था जो अपने कैसेट से जो उस कैसेट का नाम था निरहू की लव स्टोरी। जब वो कैसेट लॉन्च हुआ तो लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला और कैसेट विदेशों तक गया जिससे वहाँ से विख्यात हुआ कि निरहू कोई व्यक्ति है, निरहू कोई लड़का है गांव का छोटा सा और बड़ा कॉमेडियन टाइप का है।
और उसमें कलुआ भी था। एक फैमिली ड्रामा उस कैसेट में हम लोगों ने दिखाई थी, जिससे लोगों ने बहुत पसंद किया, आशीर्वाद दिया। तो क्या कहना चाहेंगे दिनेश लाल नीरव की कामयाबी के पीछे, मतलब आपका हाथ है, अब वो मुझे पहचान बनी है उनकी, असली नीरव कौन है, आप हैं या वो हैं? सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ये तो जो नीरव शब्द आया, ठीक है, मैं मानता हूँ, हम लोग खुद कन्फ्यूज हो गए। जी हाँ, मैंने नीरव करेक्टर किया, लोगों ने चर्चा का विषय बना मार्केट में कि नीरव कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा है वैसा है, हाँ। और दिनेश जी भी निरहुआ कहते हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि कामयाबी एक नसीब से मिलती है, उनकी नसीब है। आज मुझे खुशी है कि दिनेश जी आज उस मुकाम पे हैं, उस नाम को लेके वहाँ पे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आगामी में दिनेश जी से तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ मुझे काम करने तो का। सवाल से ये पूछो कि नीरव कौन है असली, आप हैं कि वो हैं? सबसे पहला नाम किसका है, किसका है? कौन है नीरव? है कैमरे में बोलिए, सामने बिल्कुल लिए तो सर, मैं तो बता दिया कि नीरव एक व्यक्ति है, एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, एक चरित्र है। जी चरित्र है, नीरव कोई है नहीं। जो कैरेक्टर हमने नीरव के लव स्टोरी में किया था, वो करेक्टर से विख्यात हुआ था कि नीरव को व्यक्ति है, जिससे लोगों ने एक दूसरे को बुलाने लगे, ए नीरव धरा, अरे नीरव धरा, गांव गांव में। वो जो लोगों का प्यार नीरव एक ऐसा ब्रांड बन के आज पूरे इंडिया में जो है, और ये जनता जानती है क्या है सही क्या है गलत। इसलिए भैया हुआ क्या कि दिनेश लाल जी एक गायक थे और गायक हैं, दो तीन फिल्मों उन्होंने विदाउट निरहुआ सिंबल के भी किया। जब हमने गाना लिखा तो वो वीरेंद्र चौहान निरहु को मैंने निरहु बनाया। अच्छा। और ये पूरा भोजपुरिया समाज जानता है कि असली निरहु वीरेंद्र चौहान निरहु है, क्योंकि आज भी लोग कैसेट आते हैं, सीडीज आते हैं, पिक्चर आती है जब निरहु नाम से, तो एक बार उनके जहन में आती है बात कि यार असली निरहुआ कहाँ गया। ये बात पूरे भोजपुरिया समाज जानता है कि असली निरहु कौन है, और वीरेंद्र चौहान को लोग ढूंढते हैं। और दिनेश जी, हमको लगता है कि 3 या 4 फिल्मों के बाद निरहुआ रिक्शा वाला लेके आए, तब से अपना नाम उन्होंने दिनेश लाल निरहुआ रख लिया। कोई पेटेंट नहीं मांगते, कोई चार्ज नहीं मांगा आप उनसे, आपका कैरेक्टर यूज किया? नहीं सर, ये तो नाम है, ये तो नाम है, नाम नाम है, हो सकता है, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाम है। जैसे अब राम भगवान का भी नाम लोग रख लेते हैं, तो नाम का कोई पेटेंट नहीं होता है। जी तो नाम कोई भी रख लेता है, लेकिन अभी नाम इतना पावर में था, इतना थोड़ा जोश में था कि इनके नाम को मतलब अपने पीछे लगाने की उनकी आवश्यकता पड़ी। सही बात है। तो ये कम नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं जहाँ तक जान रहा हूँ और हम लोगों ने जो काम किया है, मैं दावा करता हूँ कि हम लोग सक्सेस होंगे और फिर से असली निरहुआ पूरे भोजपुरी समाज के सामने आएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ मैडम, कौन है मैडम? इतना भीड़ है यार, अरे आइए ना मैम, हाँ जी, अंदी जी बोल, पीछे मैम बताइए, एक मिनट आराम से पूछिए सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी फिल्म का जो हुआ। देखिए सबसे पहले तो आप सभी मीडिया का मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार, और आपसे तो मेरा पुराना नाता ही है, मेरी अपनी भी फिल्म आ रही है ब्रीड, जो ट्रांसजेंडर बेस्ड मूवी है, और भोजपुरी ऐसा मेरे लिए कोई पुरानी बात नहीं है। मैंने भी 2 फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, गोबर सिंह और देश में लौटला परदेसी, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और भोजपुरी कोई छोटी फिल्में नहीं होती हैं, फिल्में सेम होती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो एक समाज के अंदर जब कोई भी सब्जेक्ट आता है तो हमारा उद्देश्य होता है कि बड़ा साफ सुथरा और क्लीन हो। और इन्होंने आज इनके मुहूर्त पे जब मैं खुद आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी ब्लेसिंग आपके साथ में है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाए। और वीरेंद्र चौहान जी निरहुआ, तो ये फिल्म बस इनके लिए मील का पत्थर साबित हो। तो ये कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी उपलब्धि है ट्रांसजेंडर पर फिल्म बनाने, क्या कहना चाहेंगे कि कितने खुश हैं इस बात को लेकर कि ये जो फिल्म बना रहे हैं ट्रांसजेंडर के कम्युनिटी पर बना रहे हैं आप? हाँ, ये एक्चुअली मेरा ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है समाज के लिए भी और खुद को लेकर भी, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर कोई आज की डेट के अंदर
अब ये कॉमन हो गया है, कोई ऐसी कुछ ज़्यादा नहीं है कि हम जेंडर से ही क्वेश्चन मार्क लगा दें कि भैया इसका तो ये जेंडर है तो ये कोई काम नहीं कर सकता तो इसको एक साइड में रखो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी काबिलियत से आप सब कुछ बदल सकते हैं, एक जो नॉर्मल इंसान है वो भी वही काम कर सकता है, और जिसको आप जेंडर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं वो तो बहुत कुछ कर सकता है अगर उनको सब चीज़ें मिल जाए। और आज के ज़माने में ट्रांसजेंडर मीडिया में भी है, न्यूज़ रीडर है ट्रांसजेंडर साउथ में, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना कितनी अच्छी बात है, कितना सफल हो रहे हैं ट्रांसजेंडर? नहीं, क्यों नहीं हो रहे हैं, आजकल तो बहुत अच्छा है, कंधे से कंधा मिलकर काम कर रहे हैं हर जगह। देखिए आप कहाँ नहीं है, पॉलिटिकल्स में है और डॉक्टर हैं, टीचर हैं, और अभी तो मीडिया में भी है, बोल रहे हैं मीडिया में भी बहुत सारे, तो क्या हुआ, तो कोई कोई मेरे लिए तो ये बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। और मैं जब एक बार सोच के देखिए कि मैं एक पर्सनालिटी होने के बाद में, एक वुमेन पर्सनालिटी होने के बाद में जब मैंने ब्रीड ट्रांसजेंडर मूवी को एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनाया, तो आप सोच के देख लिए कि मैंने क्या कर दिया है। और जब ये सामने पर्दे पे आएगी तो कहानी कुछ और होगी। और ये फिल्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ एक आम आदमी जो चाहता है कि जब ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस ये हमारे अंदर पेशेंस, ताकत और धैर्य रहिए, और हमेशा साफ सुथरे ढंग से कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं तो दिल से बनाइए और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेके बनाइए। और मेरी तरफ से इनको बहुत सारी खुशियां कि ये इस फिल्म के बाद में मुड़ के आए, बहुत बढ़िया, बहुत। ये क्या है, और कौन है, किसे पूछिए? देखिए ये हमारी सिंगर जी हैं और उभरते हुए इन्होंने काफी सारे गाने भी गाए हैं, बोलिए। ब्रीड में अभी इनको चांस है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये गाना गा रही है, एक एल्बम से। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे मैम, बहुत बड़ी फिल्म का ये जो मुहूर्त हुआ है? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर मूवी में बहुत मेहनत और बहुत लगन लगती है, सब लोगों का बहुत मेहनत रहता है, और ऑल द बेस्ट सबको, इस पूरी यूनिट को, आपको और इंद्र जी को। एंड मैं चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा हिट हो, आपके लिए एक मतलब आप सबके लिए मार्गदर्शन बने इस मूवी के जरिए, और बस All the best to the whole team. Thank you. अच्छा, और एक छोटा सुनिए, एक छोटा सा और लीजिए, छोटा हाई प्लीज मैडम, ये मेरे एक्सेस में, अरे आ जाओ जमा, एक मिनट सिर्फ एक। हाँ, ये मेरे SP एंटरटेनमेंट के क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, और काफ़ी चीज़ों का सामना हम लोग अभी भी फेस हो रहा है, तो कुछ वो भी ब्रीड के बारे में कुछ कहना चाहते तो वो भी सुन लीजिए। बस ज़्यादा ब्रीड के बारे में बात करना, मेरे ख्याल से अभी इनको शुभकामनाएं मेरी आपकी मूवी के लिए, ऑल द बेस्ट आपको, और बहुत हिम्मत की बात है, एक मूवी हमने भी अभी कंप्लीट किया तो हम समझ सकते हैं, और बॉबी जी भी अभी ब्रीड लेके आ रहे हैं, मूवी जस्ट अबाउट टू रिलीज़ और टीज़र आउट होने वाला है अगले हफ्ते, तो आप देख पाएंगे और देखिए सिनेमा हॉलों में, और बहुत अच्छी मूवी है और बहुत ही एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा और सब कुछ दिखाया गया, और ट्रांसजेंडर की रियल स्टोरी दिखाई गई है। थैंक यू सर। मैडम आइए, मैम क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, किस तरह से प्रोत्साहन देने आई है? सर क्या क्या कहना पर्सनैलिटी का जो पर्दे पर नजर आ रहे हैं, मतलब और सीरियसली आपसे खुद के बारे में कुछ बताइए, खुद क्या करनी है, काम कर रही है, पूरी टीम को कहाँ से आई है? मैं मराठी फिल्म की लड़की हूँ और मैंने भोजपुरी फिल्म की है, हिंदी फिल्म की है, यामी के साथ वीट के ऐड की है, पंजाबी एमी विक के साथ एक एल्बम किया है, और मैं ये नहीं सोचती कि मैं एक मराठी लड़की होकर मैं भोजपुरी नहीं करूँ, मैं हिंदी नहीं करूँ या मैं पंजाबी नहीं करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय हर जगह होता है। सी, आप ऐसे करते हो कि भोजपुरी बहुत वल्गर होता है या घर वाले नहीं देख सकते, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब इंसान की एक मेंटालिटी होती है, एक टेक्निकल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है, एक डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी इंडस्ट्री छोटी बड़ी नहीं है, अब एक जैसी है, अभिनय हर जगह होता है, मराठी में भी होता है, हिंदी में भी होता है, तो डेफिनेटली चाहूँगी जब ये फिल्म रिलीज़ हो आप सभी लोग देखने जाएँ। मुबारकबाद।
ब्रीथ जो पिक्चर मैंने कास्टिंग की है ये बेस्ड ऑन ट्रांसजेंडर है और ये पिक्चर मतलब एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वी आर जस्ट वेटिंग हमारा जब टीजर आउट होगा और म्यूजिक रिलीज होगी तो आप लोग को खुद मालूम पड़ेगा कि हमारी पिक्चर कैसी बनी है और क्या है हमारी कहानी हमारी पिक्चर के बारे में। मैंने आपको बता दिया ट्रांसजेंडर पे है और ये एक गे सेलिब्रिटी है जिसने ये पिक्चर बनाई है और ये हमारी पिक्चर जो है ये बहुत आप लोग के लिए है, आप लोग देखें और पसंद करें और बताएं कि ये पिक्चर कैसी बनी है। मैं यही कहना चाहूँगी और जहाँ पर ये मुहूर्त के लिए मैं आई हूँ, आई विश ऑल स्टार्स बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप यू ऑल डू वेल। आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस मूवी, थैंक यू वेरी मच। मैम आ जाओ, आप दोनों आ जाओ, आप दोनों आर्टिस्ट रेड वाला आओ ना, बता दे क्यों अच्छा जा रहा है सर, थोड़ा उधर चल चलो, मैं उधर चलूं, यहां पे भी एक बड़ी बात है ना, यहां पे हां आई आई मैम दोनों ठीक है मैम, आप तो कैमरा में दिखा प्लीज रोल रोल। निरुआ बनाम बाजीगर, मुझे इस मूवी की स्टोरी बहुत यूनिक लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक बहुत ज़्यादा एंटरटेन होंगे और उन्हें बहुत नया मसाला मिलेगा और सबको आई थिंक ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं हमारी हमारी रियल लाइफ से थोड़ा मैच करती है। तो ये मूवी मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट थी, मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक बहुत ज़्यादा इस मूवी को इन्जॉय करेंगे। और खुद क्या बताइए कि कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और क्या मतलब अपने बैकग्राउंड के बारे में क्या किया आपने पहले से? मैं एक्चुअली वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ बट मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ, टैलेंट फ्लुएंस इंस्टीट्यूट से मैंने प्रोफेशनली डांस सीखा हुआ है और ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है एज ए आर्टिस्ट मूवी के लिए और मैं एक जो हीरो हैं उनकी एक उनकी जो वाइफ है उनकी फ्रेंड का प्ले कर रही हूँ और जिसमें बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता मसाला है तो मुझे अपना रोल बहुत अच्छा लगा इसलिए हालांकि तो इसलिए मैंने बिना सोचे हाँ बोल दिया। आउटफिट भी बहुत फैशनेबल है, क्या कहना चाहेंगे जो आउटफिट पहनेंगे आप? ये आउटफिट एक्चुअली मेरी रूममेट है जो 82 ईयर्स ओल्ड है और एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने बाजीगर बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने की है तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि यही आउटफिट तुम पहन कर जाओ तो सर आप उधर जाइए। हाँ चलेगा। कैमरा में देखिए, पहले तो बताइए नाम बताइए खर्चे दीजिए अपना बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में। चलिए मेरा नाम रीतिका है और मैं इस मूवी के बारे में कहना चाहूँगी क्योंकि ये मेरा भोजपुरी पहला प्रोजेक्ट है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे लग रहा है कि ये मूवी बहुत ही अच्छी और बहुत ही हिट होगी और मुझे लग रहा है इसके जरिए मैं भोजपुरी में अपना पहला कदम रखूँगी। तो कहाँ की रहने वाली हैं, कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्या रोल वगैरह क्या है बताइए प्रोजेक्ट में? एक्चुअली मेरा इसमें करेक्टर जो लीड में हीरोइन है उसकी फ्रेंड का करेक्टर है मेरा और मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में यही कहना चाहूँगी कि मतलब बहुत ही अच्छी मूवी है, जैसे कि अभी और भी आर्टिस्ट ने बताया मतलब बहुत ही अच्छी मूवी लगी मुझे निरहुआ बनना बाजीगर और ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये इसमें कोई वर्गा सीन नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है इसको फैमिली भी देख सकती है, हर कोई देख सकता है, साथ में सब लोग देख सकते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छी मूवी है। और इससे पहले कोई प्रोजेक्ट में काम किया आपने? हाँ मैंने इससे पहले हिंदी सीरियल में काम किया है, भोजपुरी प्रोजेक्ट ये मेरा पहला है, बाकी मैं हिंदी सीरियल में साइड करेक्टर कर चुकी हूँ। ये ना भैया इसके घर में भी काम करी थी इनके घर में। सब
फेक होता है, तू फेक है तो वो भी फेक होता है, सब कुछ फेक ही होता है। चाने जी इधर 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 क्या पूछेंगे जो आप चाहेंगे वही पूछेंगे, मैं बता क्या चाहते हैं साधारण साधारण कुछ बहुत क्या होता है ना थोड़ा दूर से लेना। हाँ मोदी जी के बारे में नहीं पूछेंगे फिर भी बताना क्या पूछेंगे आपकी बारे में देखूं किधर लुक किधर दूं सामने बस बीच चलिए चांदनी जी लगता है काफ़ी व्यस्त हैं आप, काफ़ी लेट से आए लगता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? नहीं हाँ अभी तो हमारे एक प्रोजेक्ट और चल रहे हैं जो मैं नागिन तू सपेरा कल्लू जी के साथ चल रहा है और सेकेंड प्रोजेक्ट हमारा ये है। तो आई होप कि जैसे अभी तक आप लोगों ने एल्बम और जो मैं कर रही हूँ अभी तक आप लोगों ने बहुत पसंद किया है तो आगे भी अपनी चोई चोई को पसंद करेंगे। काफ़ी सुपर हिट हो रहा है किसान के साथ जो आपका नया एल्बम था वो काफ़ी हिट हो रहा है, 35 मिलियन व्यूज यानी कि करीबन 35 लाख, तो क्या कहना चाहेंगे कि काफ़ी बड़ी बात है? हाँ वो मिलते मरद हमके भूल गए खेसारी जी के साथ था वो 3 मंथ में 3 करोड़ या 4 करोड़ के हाँ के लमसम गया वो एक चैनल से और अदरवाइज बहुत चैनल से करोड़ के ऊपर ही गया। तो जैसे अभी तक आप लोगों ने इतना प्यार दिया आगे मेरी इस मूवी को भी बहुत प्यार दीजिएगा, इस मूवी में भी कॉमेडी भी है और एक्शन भी है। तो ये बताइए कि एल्बम में काम करना कितना ज़्यादा फायदेमंद रहा आपके लिए, फिल्मों का प्रोजेक्ट आपको यहाँ को मिल रहा है अभी आप चिंटू के साथ फिल्म कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे कि चिंटू नहीं कल्लू जी के साथ, तो वो बताइए कितना फायदेमंद रहा है आपके लिए? बहुत रहा है, अब क्या बताऊँ, जैसे हमारे सारे फैंस ने हमें एल्बम से मूवी तक लेके गए तो मैं तहे दिल से अपने सारे श्रोता लोग का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ जो हमें एल्बम से और मूवी तक लेके गए, एक साल में हमें यहाँ तक पहुँचाया, इसके लिए थैंक यू। और जो प्रोजेक्ट कर रही हैं उसका कि कब तक दर्शकों को देखने मिलेगी, क्या किरदार निभा रही हैं उस प्रोजेक्ट में आप? किसमें जो प्रोजेक्ट कर रही हैं आप इसमें? हाँ इसमें भी ये तो आप मूवी देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा और इसमें मेरा सीन एक गांव की लड़की का रहता है। तो भोजपुरी फिल्मों तक ही सपना है कि सपना और कुछ बड़ा है हिंदी फिल्में या कुछ और सपना है से भोजपुरी फिल्म? नहीं हमें भोजपुरी ही पसंद है और हमारे सारे फैंस भोजपुरी हैं तो मैं भोजपुरी ही करूंगी, हिंदी में नहीं जाऊंगी अभी, ऐसा कुछ इरादा नहीं है। अच्छा एक बात और पूछनी है, अभी तो काफ़ी साफ सुथरी फिल्में बन रही हैं लेकिन जब आप आई होंगी तो उस समय उस तरह से माहौल नहीं था, तो क्या कहना चाहेंगे कुछ आपके मन में कुछ डाउट था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, फैमिली को या आपको खुद को, या बहुत खुली थी कि हाँ कोई बात नहीं आना है काम करना है? नहीं ऐसा नहीं है, भोजपुरी में भी अच्छी मूवी बनती है और पहले भी बनती थी, लोगों का नजरिया होता है देखने का और हिंदी में इससे भी ज़्यादा ख़राब होते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी ख़राब होता है, भोजपुरी बहुत ही अच्छा होता है, मेरे लिए बहुत अच्छा है और हमारे फैंस सब भोजपुरी से ही रिलेटेड हमें पसंद करते हैं तो हमारे लिए भोजपुरी ही बहुत अच्छा है, हिंदी नहीं। अच्छा डांस करती हैं आप, देखने में खूबसूरत हैं, और कोई ऐसी बात जो हम लोग नहीं जानते आपके बारे में, दर्शक नहीं जानते हैं, कोई खास बात? खाना बना लेती हैं क्या? क्या क्या गुण क्या है और भी? सब धीरे धीरे मूवी के ही द्वारा आप लोगों को पता चलेंगे जितने भी गुण होंगे। और आज की फिल्म आज की फिल्म बताइए कि ये क्या करना चाहेंगे रहुआ का, ये जो क्या है बात इसके बारे में नहीं, पहले तो हम क्या चुकी मुबारकबाद ही आई हैं। हाँ उनके साथ भी मेरी ये फर्स्ट मूवी है और काफ़ी अच्छे हैं सर और मुझे अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। और आप क्यों नहीं पूछना था? लेना ना टिंगुआ से लेना, दंग मत करो भाग जाएगी मैम फिर है ना, ज़्यादा तंग करेंगे तो आप चले जाएंगे। हाँ खराब मत कर दो भी काम करना है। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye.
रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।